ऐसा नहीं होता कि रद्द पहले हो जाए जांच बाद में, पहले जांचें होती है एक सेकेंड, चाहे वो एक सेकेंड सर, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, कहीं भी जब शिकायत होती है, जब शक की बू आती है, जब लगता है कुछ गलत हो गया, तो पहले जांच होती है। जांच होने के बाद कुछ गलत पाया जाए तो चीजों को रद्द कर दिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, चूंकि मैं इस कमरे में नहीं था, थोड़ी देर के लिए फोन आ गया था, चला गया, जब मैं आया तो कुछ कुछ बात हो रही थी जिसकी वजह से आप सभी पत्रकार बंधुओं को अंदर आना पड़ गया या आपने बुलाया। मेरा अपना सोचना है जो मैंने अभी तक बोला नहीं इस कमरे में, सबसे आसान चीज तो यह है कि जो बाकी 200 बसों का टेंडर हो रहा है, अगर आपको लगता है कि पंजाब वाले, उत्तराखंड वाले, फलाने कोई आके वो 20 रुपए का रेट इसमें ला सकते हैं तो आप ला दीजिए। मैं पूरे होशो हवास से कहता हूं कि अगर इस बाकी 200 वाले टेंडर में रेट 22 रुपए, 23 रुपए, कुछ 30 से नीचे आ जाए तो हम उस जांच को बिना किए ही पिछले 500 पे कुछ ना कुछ एक्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं पूरी निष्पक्ष बात है। आपकी तरफ से दो बात आई जी, एक बात सर ने कहा कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, 10,000 बसों का ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, दो बातें होती है, एक पैसा चाहिए बस खरीदने के लिए, ऑब्वियसली किसी ने भी किराए पे लेना हो कम पैसे में मिल जाएगी, खरीदना हो महंगी मिलेगी, तो हम लेकिन सरकारों में आपकी बात का जवाब फिर धनपत सिंह जी। हम ये कह रहे हैं, एक तो हम आपसे ये अपील कर रहे हैं, जो बसे हैं ये जनता की सुविधा के लिए, जनता को जो सुविधा आपने देने की जो आपकी जिम्मेवारी है वो पूरी हो जाएगी, पहली बात आप ये क्लेम करें। हम इसके ऊपर ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सरकार के पास इतना बजट देने के लिए नहीं है, तो हमारे को फाइनेंस करके दे दीजिए, हम उसको ब्याज समेत देने के लिए। दूसरी ओर एक हमारे 20,000 कर्मचारियों की तरफ से बोल रहे हैं, नेतृत्व बोल रहे हैं, हर महीने 5 दिन की तनख्वाह देने के लिए बजट में हम तैयार है, हर महीने 5 दिन प्रत्येक कर्मचारी की तनख्वाह काट करके हमारे को बस सरकारी बस दीजिए, सरकारी बस दीजिए, हम तैयार। पूरी तनख्वाह भी दे देंगे, एक महीने की मतलब सरकारी बस आनी चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, हमें एक महीने के पूरे कर्मचारी तनख्वाह देंगे। दूसरी ठीक है, जनता को सुविधा देनी सरकार की जिम्मेवारी है, हम मानते हैं हम सरकार के कर्मचारी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, 26 अक्टूबर 2014 से हमारी सरकार आई और हम बार बार मीटिंग करके हम अपील किए कि इस विभाग के विस्तार के लिए सरकार का एक कदम आगे नहीं चला, ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग और इसको 600 कुछ करोड़ का घाटा दिखा करके ऐसे इसमें ई किलोमीटर स्कीम लाने का काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इसमें घाटे का जो है रोडवेज का कर्मचारी कहाँ दोषी है, इसमें घाटा हुआ तो सरकार जिम्मेवार है, इसमें का विस्तार नहीं हुआ तो वो सरकार की जिम्मेवारी है, जनता को सुविधा देनी आपकी जिम्मेवारी, उसकी उसको जनता को उठा के ले जाना वो हमारी सेवा करने की हमारी जिम्मेवारी, और ये जो 720 मैं बताता हूँ, बताओ सर किसी और विभाग में अभी बात हुई थी, अगर आप बोलेंगे किसी भी चीज को, ठीक है आप जैसे कर्मचारी वैसे मैं भी कर्मचारी हूँ सरकार, राइट ठीक है राइट, आपको जैसे तनख्वाह मिलती है वैसे मुझे मिलती है, मेरे पे स्केल के हिसाब से मुझे मिलती है, आपके पे स्केल राइट।
रोडवेज विभाग के जितने आप अब जनता के आप हमदर्द की बनने की बात कर रहे हैं और हिमायत की बात कर रहे हैं, 130 करोड़ रुपया तो मैं प्रेस के भाइयों से बता रहा हूं, और इसका ओवरटाइम का पैसा है जो प्रति व्यक्ति 65,000 रुपए महीने तक हो जाता है, इसमें कोई गलत नहीं करते Gracias.